आजादी के साथ भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। उपलब्ध जन संसाधनों का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। प्रदेश में चंबल नदी पर बने कोटा बैराज की दाईं और बाईं मुख्य नहरें अपनी 63 शाखाओं, उपशाखाओं और वितरिकाओं के जीवनदायिनी ताने बाने से 2,29,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा रही हैं। ज्यादा पानी यानी ज्यादा फसल ने सिंचाई में अंधाधुंध पानी का उपयोग बढ़ा दिया। ये कहानी है उन किसानों की जिनके लिए आसानी से मिल रहा ये पानी उनके जी का जंजाल बन गया। अत्रो फाणी गजब को फाणी जियां तो यार आटी भी फाणी गजब को फाणी पानी जो गल्ला फाणी जियां तो आनंद हो रहा जी जीजाजी को तो पाई खेती होती होगी जीजाजी को तो गजब को फाणी जी यार पानी पानी गल्ला मात रहा जी पानी का फाणी देखकर तो मारी इच्छा सी हो रही जे नाई ल्या और नावा के बाद ही जीजाजी के चलंगा काहे तेर तेर ना रहे जे तेरे नाई लियो छु भी अब बोल पंचिड़ा रे। अरे फोन भी ना पा मुझे भी बिगाड़ दे यार फोन इन्हें बेबाणु मिली जी टम अरे दानमल हाँ कौन जीजाजी अरे कहाँ थे तू दानमल अरे यहाँ तो आनंद आ रहे थे जीजाजी ना रहे नर्व अरे यहाँ तो जान खड़ रही यार तू भेगवा भेगवा काई नमू तो बन थोड़ी देर पा जाऊ ना दूर अरे यार खाल ना लीजिए खाल ना शो काई होगी जी ठीक जाऊँ चु फिर बनू 10 मिनट बाद आऊँ काना काई हो रही थी जीजाजी अरे शो अर्जेंट फोन करो जी जीजाजी ना बा कोई मजे बिगाड़ दो सर काई फाणी छो यार बोल पंचड़ा रे पाटण की रे पाटण की पड़िया पे भगतण्या नाचे रे भाई लो दीवानो बोल शंकर्या रे पाटण की यार अत्रो फाणी होता सता भी या फसल हल्की हल्की कसा लाग रही जीजाजी ढोक आओ जे भाई राम राम भाई दानवाला बट थने भी यार चौकी करी गांव में आया ते एक घंटो हो गयो और थारो पतो ही नहीं लाग रहे हो अरे जीजाजी काहे बताऊं ता कहता है मु तो जो ही मोटर में उतरयो उतरता है मने देखो ना खूब पानी पानी चो शहर मेर जो मारे तो आत्मा पानी देखा से प्रसन्न होई जो मारी इच्छा होगी ना बाकी मु ना बा लाग्यो और नार आ रहे हो चोर कहीं ते ना बा दो बाकी पड़ी छे अरे यार मारो छे ना कार जो मु ना मारयो छे यार अरे से काहे आपत आगी जीजाजी यार अरे काहे बताऊं एक बात हो तो बताऊं खाल शाम की थारी बड़ा छा हाँ। उनका पेट में मरोड़ा और बा लाग गई दवाई गोली देता देता भी आराम ना रहे होगा और खांच बना भीतर से बम अरे बना हाँ भाया थारी तबीयत कैसा जी मारा पेट दुख रहा छे भाया फिर गोली दवाई ली ली छे आराम छे थोड़ा घणो ठीक छे आराम छे थोड़ा बहुत अरे दानिया हाँ देख लो क्या हाल पास तुम जीजाजी घनी परेशानी छे अरे यार एक ही परेशानी को ना और सबसे बड़ो चक्कर तो फसल को छे सारी व्यवस्था होता करता फसल ही नहीं बढ़ रही यार मैं तो ऐसा लागे छे कि कान का ऊपर को हवा को चक्कर छे कोई कोई बढ़ता मानस ने मूठ कर दी आगे बताओ ना और काई परेशानी छे आप लोग खेत तो तुम देखियो छे हां वो तो सबके फली छे नहर के साथ में खेत छे और पानी की काई तकलीफ हो ना जो अगर नहर में पानी कम हो जाओ ना तो मन तो मोखड़ा में जुगाड़ कर रखे छ और जो गांव का सारा काश्तकार छ ना मैं सारा ही थड़पड़ा जाओ छ फली पानी अपना खेत में आओगे जद पाछे जाओगे दूसरा के पूरी रात चाल बात हुई पानी अशो कच्च रखाणो छ खेत पण यार फिर भी फसल ही ना बैठे यार पण एक बात को ध्यान छ ता ना कसी खाद भी टाइम से डालो जो खाद की भी यार गाय बात कर रहे दानमल जब थारी बनाओ से मारो ब्याह हुई छो ना हाँ। जब मु 4 कट्टा डाल गयो करो जो खाद का अब 10 कट्टा खाद डालू छू पर फिर भी तो जीजाजी देखो ताकि फसल तो मरी मरी जाए
अब यही तो बारे समझ में ना रहे हो दायो कहीं से मा कि देख पानी फुल और खाद फुल और बीज भी डबल। मैं तो अच्छा लागे छे कि कोई बढ़ता मानस ने मूठ फूट कर दी दिखा। पर जीजाजी मारा तो ये बात समझ में नहीं। सारी बातों का होता सोता मारा गड़ा में तो अतनी मुसीबत आर पड़ गई छे कि मारे तो जीव को जंजाल बन गयो। अब कोई मारी बात माने मत माने पर मैं तो यही कहूंगा मना तो छा ना खान खान छो ऊपर को चक्कर लाग रहे काना, काना, ओ काना, ओ काना, अरे दानमली, अरे कौन छे ओ दानमली, अरे काना, अरे काना, अरे छे कौन सामने आओ ना बड़ा ना तो तू काई दानमल। मैं तो अच्छा लागे छे कि आपन ऊपर की हवा की बात कर रहा था। हाँ। मन खाई यो कोई भूत भूत को तो चक्कर को रहा ना। अरे डरो मत भैया मु कोई भूत भूत कोई ना। तो 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 फिर कौन सो था मु? हाँ अरे मु तो था को भाई लो ही छू। भाई लो भाई लो अरे भाई लो पर सामने तो हाँ छे कौन था खा बटे खाचो था। अरे उकी चिंता छोड़ तू तू तो या मान ले के मु तो थारो भाई लोई छु। कशा भाई साहब काना तू अपनी कब्र तो खुद खोद रहे छे और दोष ऊपर वाला का ताई दे रहे छे। काय मतलब? मतलब या के गलती तो थे खुद कर रहे छो और दोष कोई और ना दे रहे छो। गलती थाना भी मारी गलती नजर आ रही छे। मतलब मुसीबत में मुँह गड़ा तक तो डूब गयो घरवाली मारी भी मार और गलती था मारी बता रहा छो। पानी देता करता फसल गड़ रही छे खाद बीज में और डबल डाल रहे छू है फिर भी मतलब फसल तो कमी बढ़ रही छे ना मारी और था भी मारी गलती बता रहा छो। थारी गलती छे ये मैं गलती माँ की छे तो यूं बताओ कि मारी बना दो दिन से बीमार पड़ी छे खाट पे पड़ी छे ये मैं खूको दोस्त छे। गलती की छे जा तारी बड़ा से पूछ रहा रात पांच कटोरी सीरो की ना खायो छो। पांच कटोरी सीरो सीरा की बात पूछ बड़ा सु। हाँ जा पूछ रहा पूछ रहा हूँ जो बड़ा सु खाल सीरो बढ़ायो तो छो पर यहीं कैसा मालूम पड़ गई। अरे बड़ा हाँ भाई खाल तने कहीं खाई छो सीरो खाए छे। सीरो खाए छो कतनो खाए छो? सौ साल में पांच कटोरा खागी। पांच कटोरा खागी? हाँ। अरे थारी जीजाजी वास तुम बना ना पांच कटोरी सीरो खाए जी। अच्छा हाँ एक बात बता अगर आपना से टूस टूसर खाऊंगा तो बीमार कौन होगो? बात तो यार सही छे। सही छे जी पर आप एक बात बताओ पानी देवा के बाद भी मारी फसल कशा गल रही छे। चल एक बात और बता तना किसान सेवा केंद्र को नाम सुनियो छे? किसान सेवा केंद्र या काय बीमारी छे? और देख यो छे किसान कुंभ ईमा कोटा बारा बूंदी जिला का चंबल कमांड क्षेत्र का जो किसान छे वहां का ताई नवीनतम कृषि तकनीक की जानकारी और कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक पैदावार कशा प्राप्त की जावे इकी जानकारी दी जाओ छे। इका साथ साथ किसाना का कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और राज्य सरकार काई काई सुविधा उपलब्ध करवा रही छे इकी भी जानकारी दी जाओ छे। सीएडी कोटा यो कृषक कल्याण कुंभ हर साल लगाओ छे। अरे भाया यो कास्तकारा को तीर्थ स्थल छे। तीर्थ पण यो छे खासे तू चालक हो के तो फिर चाल यहाँ था ना था का जितना भी प्रश्न छे ना वहाँ का सबका जवाब मिल जाओगा। यहाँ पर किसाना के ताई खेती की जितनी भी नई नई तकनीक आओ छे ना वहाँ की सबकी जानकारी दी जाओ छे। पण मारो सवाल तो बाकी रह गयो कि
अत्तो पानी देवा के बाद में भी फसल कैसा सूख जाओ सर? एक बात बता, थारे घरवाली की तबीयत कैसा खराब हुई? बात तो शीरो ज्यादा खा गई थी ना? शीरो ज्यादा खा गई थी, देख ज्यादा खा बस ही उनकी तबीयत खराब हुई। बस वही बात छे, असाई थारी फसल भी ईले गड़गी कथनंग में ज्यादा पानी दे दे छो। जीजाजी यह बात थोड़ी कम समझ में आई। कम पानी को मतलब कम फसल और ज्यादा पानी को मतलब ज्यादा फसल? खजी या तो सीधी सीधी गणित छ खाना, यह गणित इतनी सीधी कोई ना। पानी अगर फसल में ज्यादा देओगो तो फसल तो खराब होगी होगी। खाना एक बात बता, पौधा पानी कहाँ से पीऊ छ? जड़ में सु? जड़ में सु। और जड़ जमीन में जितनी नीचे जाओ छ उतनी ही कम होती चली जाओ छ। तो पौधा के ताई जितना पानी की जरूरत रह छ ना, उनका पूर्ण भाग तो वो आदि जड़ से ही ले ले छ। अब एक बात बता, फसल के ताई पानी के अलावा कई कई चीज की जरूरत रह छ? पानी के अलावा खाद और कई? काना तने यह पहली बार सही बात की छ। काना आपन जो खेत में ज्यादा पानी देव छा ना, जैसा था ना देव पूरा खेत में पानी पानी कर दियो, तो एक साथ जो खाद डालना छा ना, वह खाद भी पानी के साथ साथ जड़ा से नीचे चली जाओ छे। और जद जड़ा से नीचे पानी चल जाओगो खाद चल जाओगी, तो आप पौधा का काई काम की? अब तू ही बता, अगर रोटी मुंह थारा मुंडा में से न देर थारा घुटना से दूं तो कहीं थारा शरीर में जाओगी का न? जाओ ना देख। बात तो ठीक छे जीजाजी, आज तो आपने ताई सौभाग्य सु अगला दिन को चिरागात लाग गयो छे और से मौको ना हो ई लेके सारा प्रश्न का जवाब पूछ ले। अरे हमारा भैरू जी, अब या तो बता दियो कि खेती में पानी कत रोक दिया थे लोग? आगे का खेतान को पानी रोककर अपना खेतान है लवाला भर दो छो, इसू दूसरा किसान के ताई वहाँ का खेत आ के ताई तो पानी न मिल पाओ और थका खेत लवाला भर जाओ छे, इसू थका खेत की मिट्टी सांस न ले पाओ। मिट्टी सांस न ले इनको काय मतलब जे बात समझ में नहीं आई? अगर मिट्टी सांस न ले पाओगी तो फसल भी खत्म हो जाओगी। देख जैसा बार मुथारो गड़ो दबा दू तो आ, 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 काई हो यो? मार तो दमी घुट गयो, मरी जातो मु तो बार। बस अशे ही जैसा तू सांस न ले पातो थारो दम घुट जातो तू मर जातो, अशा ही जमीन ने अगर सांस न आवे उमें हवा न जावे तो फसल भी खत्म हो जाऊ छ। जो था को जो पानी देवा को तरीको छे ना, ये बहुत ही गलत छे। इसमें खेत में पानी भी न लागे ढंग से और जमीन भी खराब हो छे और पानी की बर्बादी तो हो छे जो हो गई छे। इकी बजाय अगर थे लंबी लंबी क्यारियां बनार अलग अलग पानी दो तो खेता में पानी ढंग से लाग जावे और इसे भी बढ़िया तरीको छे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर छोटी छोटी चार फूटी क्यारियां बनार वम पानी दियो जावे अलग अलग तो इसे खेत में पानी भी ढंग से लाग जाओ और आपन पानी की तो बचत होगी सी। और एक साथ पौधाना भी जितना पानी की जरूरत छे उतना ही पानी में लगो। थे ओरा का खेता को पानी ले खुद की तो फसल गड़ा रहे छे और वहाँ का ताई पानी न मिल पा रहे हो, इसी वजह से वहाँ की फसल जल रही छे। तो यह बात बताओ कथे कितनी बड़ी गलती कर रहे छो, समझ में आएगा नहीं? अब चला हो क्यों काना, बात समझ में आई? जीजा जी अब आई मारे बात समझ में। भाया अतनी ही बात कोई ना, जो थे खेता ना लबा लबर दो छो ना पानी से, तो पानी जमीन में नीचे जाओ छे तो जमीन को जो वाटर लेवल छे ना वो ऊपर आओ छे और वो की लारा लारा जो नमक की मात्रा रह छे ना पानी में वो नमक भी ऊपर आवे छे और उकी वजह से ही था का पौधा की जड़ा गड़ जाओ छे। अतनी ही बात कोई ना, नमक और ऊपर आओ छे और जमीन की परत के ऊपर आकर के जो थे सफेद सफेद देखो छो ना खेतान में वहाँ ऊपर आर जम जाओ छे और सारी जमीन खराब हो जाओ छे। और एक बात और बताऊं, यह जो ज्यादा पानी की जमीन रहे छे ना
जिन्हें ते अपनी भाषा में सीपेज को छो ये जमीन में जो ते चारो उगाओ छो वो चारा ने खार था का जानवर दुबला हो जाओ छे बीमार हो जाओ छे। और ये नरा छे ना या मानो ये तो राम जी को वरदान छे जिसा अपना शरीर में खून की नशा भरी छे ना उशाई था का एरिया में ये नरा भरी छे। या बात तो छे। और याद करो दिन जब था का ताये बम होए छो कहीं नरा मसा पानी में से बिजली खाड़ लगा तो पानी में कहीं ताकत बचेगी जैसा छाछ में से मक्खन खाड़ ले छे ना उषा ताना पानी में से बिजली खाड़ मा कहीं पानी दे दियो इसुमा की फसल कशा होगी। पर कहीं होए छो चारों तरफ फसल लहलावा लागी छी। अब देखो थाना आज वही नरा की कहीं हालत कर रखी छे। कहीं कर दिए छी वो देखो उन्हें बेशा नर में कुदा दी और वो ट्रैक्टर नर में ही दौड़ रहे। अब एक बात बताओ अशा नरा टूटगी का न टूटगी अभी के लिए कौन जिम्मेदार छे? या तो सरकार की जिम्मेदारी छे। या बताओ सरकार ने ये नेरा की के लिए बनाई छे? बनाई तो आपा के लिए गई छे। फिर या बताओ कि ई के लिए अकेली सरकार ही थोड़ी जिम्मेदार छे? तो आपन काय करा सरकार जान सरकार को काम जान आपन तो पिलाई दिया छे। अच्छा ई नरा की जिम्मेदारी आपनी थोड़ी। देखो कोई भी काम एक हाथ से न चले मिलजुलर कोई काम करेगा तभी काम होगो। फैली तो फसल ले लाई पण आप कहीं हो रहे छे था न पानी की कदर न करी ते चारों तरफ खेता में पानी छोड़ दो छो और आज खेता में सीपेज की समस्या बढ़ गई और इको परिणाम कहीं होगो जानो छो ते भविष्य में धीरे धीरे या सारी जमीन बंजर हो जाओ। बंजर कशा देख न रहेगा थे ये जो पानी छोड़ रहे छो खेता में पानी लबा लब रही छे इसु सीपेज की समस्या कितनी बढ़ रही छे जमीन उसर हो रही छे के न हो रही। फिर मा करा काई काई करा? एक तो थे किसान छो और एक वो समझदार किसान छे देखो काई कर रहे छे। हमारे यहाँ नीचे से जो पानी ऊपर आ रहा है जमीन का क्योंकि नहर ऊपर से बढ़ रही है और जो लवण ऊपर आ रहा है जमीन में तो उसका मेन जो सोल्यूशन है जो हमने ढूंढा उसका जो निवारण हमने ढूंढा है वो ट्यूबवेल से पानी देकर खींच कर वो जमीन का वाटर लेवल मेंटेन करके और उससे हमारे क्या कि जमीन का पानी ऊपर नहीं आता और जो जमीन में जो खार और ये ऊपर आता है वो नहीं आता इससे हमारी जमीन उपजाऊ बनी रहती है। थे लोग खेता में पानी कम दो खेबा को मतलब जितना पानी की जरूरत है खेत के लिए मिट्टी के लिए उतना ही पानी दो और खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था भी करो मतलब बचे हुए पानी खेत में से निकलनो भी चाहिए। जो ज्यादा पानी निकलवाई कहीं जरूरत है देख मु तारो पेशाब बंद करू छु। घबरा मत मु तो तसब पूछ रहे छु का अगर मु तारो पेशाब बंद कर दूं तो कहीं होगो? कहीं होगो पेशाब बंद हो जाओ तो मर भी सकू छु। मर भी सके छे ना बस यही बात छे जशा खेत में पानी देवचा उषा बचे हुए पानी निकलनो भी जरूरी छे उसु जमीन उपजाऊ रहेगी और पौधा के लिए जितनी जरूरत छे उतना ही पानी मिलोगो इसु जड़ा गड़ागी को ना और असी बात को ना। बात तो समझदारी की सरकार ने इनके लिए घड़ी सारी योजना चला रखी है। एक तुम्हारे यहाँ एक और हुआ जिसको कैचमेंट बोलते हैं हमारे यहाँ वैसे सरकार तो वो ऑफिसली बोल देते हैं यहाँ के इंजीनियर जो है तो उसमें जमीन एक तो एक्जाई कर दी काश्तकार की रजाबंदी से वहाँ हमारे को दोहरे दे दिए और ड्रेनेज दे दी रास्ते आगे दूसरा जो इसमें एक आ गया हमारी क्वालिटी बड़ी सुधरी है तो अभी दाना भी बोल्ड है और चमकीला भी है हमारे को रेट अच्छे मिल जाते हैं बाजार में मतलब जो हमारा पहले 100-150 कम बिकता था वो आज हमारा सुपर क्वालिटी में बिक रहा है गेहूँ या चंबल कमांड का हमारे जो फलीदार फसल थी वो नहीं होती थी ये अभी हमारे बम्पर स्टॉक होता है सरसों का जो फलीदार फसल है सोयाबीन है इसका बम्पर स्टॉक होता है धनिया का क्वालिटी भी सुधरेगी तो ऐसे इसके फायदा बहुत हुए। जहाँ पेड़ पौधों की बात करें जो मतलब ऐसे कुछ स्पॉटिक जगह ऐसी थी जो ऊंचे थे वहाँ छोटे पौधे मतलब बढ़ नहीं पाते थे झाड़ीनुमा बुश टाइप होते थे तो आज अगर आप उस एरिया में आप नज़र मारो तुम देख सकते हो सभी तरह के आपको पौधे कितना लहरा रहा है बगीचे घर बगीचियाँ भी काश्तकारों ने शौक के तौर पे लगा रखी हैं सभी तरह के पौधे हैं जैसे अमरूद है नींबू है संतरा है आंवला और ऐसे पेड़ मतलब उसकी प्रोपेगेशन जिसको बोलते हैं अच्छी हो रही है। इनमें सरकार खेता खेता ही समतल कर रहे और वहाँ की बाउंड्री पर जो ड्रेनर रहे छे ना वहाँ की बनावट सही करे छे वहाँ का आसपास सड़का बनाओ छे और थे कहीं करो छो वहाँ ड्रेनर ना तोड़ दो छो वहाँ सड़का ना वो रास्ता ना रोक लो छो।
और एक साथ साथ सरकार खेत सुधार कार्यक्रम के तहत जो अपने खेता में जो दोरा रहे ना वहाँ पक्का करार भी दे और थे यहाँ से कभी बाहर गया छो कि न गया या जानो छो जहाँ न रहा कोई न जहाँ बारिश कम हो वहाँ फसल की सिंचाई कसा हो तो देखो ओ जिया जी बना बादल के बरसात हो रही छे देखो मजा इन फव्वारा खेव छे ई फव्वारा सिंचाई पद्धति से कम पानी में भी बढ़िया सिंचाई हो जाओ छे जीजा जी जब भी मां क्या ऊंचा ऊंचा टीला पर भी खेती कर ली ईसवी करी जाओ और ये देखो जीजा जी यो काई छे यो टपक टपक पानी कसे टपक रहे हो इन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कह छे यह पद्धति ज्यादातर बगीचा में काम आउ छे बड़ा बड़ा पेड़ान में ईसुई सिंचाई हो छे और थाने याद छे फव्वारा सिंचाई से भी कम पानी में पूरा बगीचा में सिंचाई हो जाओ छे और ये फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के लिए सरकार सहायता भी देव छे और अठी देखो इन डिग्गी खेव छे जब पानी कम हो जाओ छे ना जब किसान इम पंप लगा डिग्गी में और ज्यादा से ज्यादा एरिया में फव्वारा के द्वारा सिंचाई कर ले उसे और ये देखो जहाँ इलाका में बारिश कम हो उसे वहाँ जगह जगह नदी नाला में एनीकट बना और पानी रोक कर कशा फसल करे छे कशा सिंचाई करे छे आप ये एनीकट सुमा के गांव में फायदो पानी को फायदो छे कुआं को जलस्तर चढ़ोगो गांव का जानवर पानी पिएगा और जंगली जानवर भी इम पानी पिएगा और मिट्टी सब कटाव न हो मिट्टी को भरा हो जे उसमें भी बाहर में तो कई लोग कई जगह ऐसा बंदा बने जगह अंदर खेतियाँ हो रही है या वो पानी सूख जाओ जी के बाद भी खेती हो जो बहुत तगड़ी खेती हो जो उपजाऊ मिट्टी आओ जे इस कटाव मिट्टी को कटाव न हो खेत आम बार ये डोल लग गया जब यहाँ से खेत कटरने से न जा सके जगह जगह डोल लगा दिया डोल लगा बाद बेर पक्को बंदो बांध दियो जहाँ और पानी ऊपर निकल जाओ तो उनको खेत को कटाव बंद हो गयो जिम खेत में खाली पड़ रही थी ना बहुत धीरे धीरे दे बढ़ती आगी और देखो ये आपड़ा मंत्री जी का ही खेल है जल की निरंतर कमी के कारण मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र में वो खेती बाड़ी कर सकते हैं जन सहभागिता भागीदारी के अभाव में ये सब जो है संभव नहीं है मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में जल के सदुपयोग का संकल्प ले बात तो लाख रुपया की छे और यहाँ की भी सुनो ये आपड़ा बड़ा अधिकारी जी कहीं खेरे छे ये तो माँ का नहर का बड़ा अफसर छे कमिश्नर साहब छे तू जो भी सिंचाई जल आज उपलब्ध है उसको हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एवं इसका जो कॉस्ट है इसका जो लागत है वो काफ़ी अधिक है जैसे कि इतने बड़ी गांधी सागर बनाई गई है उसके बाद राणा प्रताप सागर जवाहर सागर बनाई गई है ये करोड़ों रुपए की बहुत बड़े पैमाने की प्रोजेक्ट है इसके बाद करीब 6000 से अधिक किलोमीटर तक की नहरी तंत्र फैलाकर ये किसान के खेत तक ये पानी पहुँचा जाता है इसकी काफ़ी कीमत है और जो कीमत है उसकी लगभग केवल 10% की राशि जो है एक किसान से लेने की प्रयत्न किया जा रहा है तो ये पूरी जो सिंचाई जल की जो कीमत है उसको समझना बहुत आवश्यक है और अगर किसी चीज़ को आप कीमत समझते हैं तो उसका सर्वोत्कृष्ट तरीके से अनुकूल उत्तम तरीके से उपयोग करना भी वांछनीय होता है मैं आपको निवेदन करूँगा कि आइए सब मिलकर सिंचाई जल के अनुकूल उत्तम उपयोग करें एवं अधिक से अधिक फसल उसमें उत्पन्न करें और अब देखो ये कहीं खेरे जी समिति ने पहल की है एक तो पानी बर्बाद नहीं हो उसके लिए जो है हमने नहरों की सफाई साफ़ सफाई टाइम पर करवाते हैं हमें कोई सरकार के बजट की आवश्यकता नहीं है हम सरकार की मुंडी देखना पड़ता है हमारे अगर कोई काशकार अभी आके के साहब वो अर्नेटा महेंद्र में फला जगह कोई ब्रीच हो गया बैंक और उसमें 5000 रुपया खर्च करने की आवश्यकता हम तुरंत अभी आदेश दे सकते हैं कि आप जाइए तुरंत जो भी व्यवस्था है मजदूर लगाओ जिस भाव में मिले और तुरंत उसको ठीक कराओ पहले सरकार के पीछे देखना पड़ता था सरकार के यहाँ से बजट आएगा या सरकार जाएगी जब तक कई खेत बढ़ जाते थे हम वैसी बात नहीं है ये समस्या को समाधान जो ही छे कि थे सब लोग मिलकर काम करो बाराबंदी अपनाओ बाराबंदी को मतलब छे जैसे आप परिवार का लोगों की संख्या का हिसाब से राशन कार्ड से राशन मिले छे ना उसे इमा किसान ना खेत का आकार का हिसाब से पानी मिलेगो और पानी मिलवा को टेम और दिन भी निश्चित रहोगे
इको फायदो यो होगो कि ज्यादा पानी से जो खेत खराब हो छा ना वो खेत खराब न होगा और टेल ताई पूरो पूरो पानी भोगोगो और सबने बराबर बराबर अपनी अपनी पाती का हिसाब से पानी मिलोगो। सुनी जी जाजी ये सब समस्या आपन नहीं पैदा करी छे, आपन खुद ने अपना पांव पुखलाड़ी मारी छे, नरक और सरक का भागिया आपन ही छा। और अगर अशे करी तो या जो जमीन छे ना अपनी बंजर हो जाओगी, कम पानी में अगर अपन खेती करेंगे तो या बंजर हो बसू बच जाओगी जी जाजी। अब यह बात मारी समझ में आ गई, ये जो मारा जी का जंजाल छे ना ये मारा खुद का ही बनाया छा, पण अब गलती ना होगी।